हम कैंप करवा देंगे, राशन कार्ड बनेगा, आयुष्मान कार्ड बनेगा, ठीक है ना? हाँ, हम कैंप करवाए आधार कार्ड में जब 4 बजे गए हम 5,000 लग गया है, जितने 10,000 भाड़ा लग गया फ्री पे मोटरसाइकिल मिल लेता है 600 कोई दिक्कत होगा इससे हम पूछेंगे। पेंशन मिला है आपको? पेंशन भी नहीं मिला है, उम्र तो 60 वर्ष से ज्यादा है इसका। हाँ जी सर, 60 वर्ष है तो सर कहाँ दे रहे हैं? उसका नाम कृष्ण कुमार, कृष्ण कुमार पिता का नाम भी सच में समझा देना सर, ठीक है? हम कैंप करवा देंगे, यहाँ भेज देंगे वीडियो वहाँ के लोग आया था, 10-12 आदमी आया था, इलाज मुफ्त होगा, एक घर में जितना आदमी रहेगा सबका बनवा दो, ठीक है? राशन कार्ड कैसे तुम लोग उठाते हो? इसको कार्ड बना हुआ है, जाना पड़ता है सर बढ़ा दे, यहाँ नहीं होता है, यहाँ नेट का प्रॉब्लम बताता है, इसीलिए है ना सर, नेटवर्क का भी इशू है। अब बीच में कैंप भी करा देंगे, डॉक्टर लोग सर्जन को बोलेंगे, महिला डॉक्टर के साथ आके कैंप हो जाएगा तो इन लोगों का इलाज भी हो जाएगा। आसपास कौन सा अस्पताल है आपको? मैं भीमबाग गया था, वहाँ से चोरमारा गया था, तो जमुई ज़िले में जितने भी हमारे ब्लॉक हैं, सुदूर के ब्लॉक हैं जिसे लोग नक्सल प्रभावित कहते हैं, बोंगी, बड़मुलिया, गगनपुर आदि जितने भी हैं, सभी जगह मैंने घूम कर देख लिया था, चोरमारा बचा हुआ था। तो बहुत दिन से प्लान बना रहे थे कि चोरमारा भी जाएंगे, तो चूंकि आज छुट्टी का दिन था इसलिए मुझे मौका मिला, मैं चोरमारा गया था। तो वहाँ क्या हालात थे सर, वहाँ के लोगों की स्थिति क्या थी? देखिए, वहाँ जाने पर वहाँ के आमजनों से मैंने उनकी समस्या सुना, वहाँ लोगों ने अपने अपने समस्या बताया, तो मुख्यतः हमें राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, ये सब समस्या उन लोगों के द्वारा बताया गया, और मुख्य समस्या बिजली का उन लोग के द्वारा बताया गया, कुछ लोग पेयजल के लिए भी बोल रहे थे। तो हमने देखा वहाँ कि 4 बोरिंग वहाँ पूर्व से थे जिसमें से 1 बोरिंग ही चालू था। तो सर वहाँ पे अब क्या जो सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं नहीं पहुँच सकी है सर, उसके लिए क्या कर रहे हैं सर जिला प्रशासन? देखिए, जो भी उन लोग का मूलभूत समस्या है उसके लिए हम लोग 31 अगस्त को एक कैंप वहाँ लगाने जा रहे हैं,
जिसमें आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, ये सभी का कैंप लगेगा। और इसके साथ साथ हम लोग मेडिकल चेकअप के लिए कोई लेडी डॉक्टर को भी वहाँ पर हम उस कैंप में रखेंगे, ताकि महिलाओं का भी स्वास्थ्य परीक्षण हो सके। और जो पेयजल की जो समस्या है, उसके लिए उस दिन डीप बोरिंग भी हम लोग करवाएंगे, ताकि पेयजल की भी समस्या उन लोग का दूर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।